राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई से चलती ट्रेन में बदमाशों ने बदतमीजी की है। बता दें कि बदमाश शराब के नशे में थे, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई कह रही हैं कि जयपुर से श्रीगंगानगर आती हुई दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में कुछ शरारती तत्वों ने बदतमीजी की। गायत्री बिश्नोई ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया है और मदद की गुहार लगाई। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने कहा कि रेलवे की सोशल मीडिया टीम की सूचना पर रेलवे पुलिस फोर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए तकरीबन एक घंटे में ही बदतमीजी करने वाले तीन बदमाशों को डिटेन करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रात के 1 बज रहे हैं, मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में, आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास AC, और मेरे जस्ट पास में तीन लोग अपनी बोगी में बैठ कर के दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज़ कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा, देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये TT साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी, एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की TT सर के थ्रू और इट्स बीन 1 आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट, वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से ही बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, सरकार से ही बात करना चाहूंगी कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सीरियस आप हैं सच में, क्योंकि इस पूरी की पूरी ट्रेन में नॉट अ सिंगल JRPF का कोई जवान नहीं है, कुछ भी नहीं। एक घंटे से मैं परेशान हो रही हूँ, एक घंटे से। पहले बोला मकराना से कोई पुलिस वाला यहाँ चढ़ेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद में बोला कि देगाना से चढ़ेगा, देगाना से कोई नहीं आया। अब आप देखिए इस चीज की जवाबदेही किसकी है। गाड़ी संख्या 22997 जो कि जयपुर से श्रीगंगानगर के लिए जा रही थी, इसमें रात के लगभग 12 बजे हमें ट्विटर के माध्यम से सूचना मिली कि एक महिला यात्री ने कंप्लेंट की, शिकायत की कि इसमें जो HA1 कोच में कुछ यात्री चढ़े हुए हैं जिन्होंने अभद्रता कर रहे हैं और जो है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उसकी सूचना मिलते ही ट्विटर पे हम तुरंत सक्रिय हो गए और हमारे जो ट्विटर सेल ने और जो RPF की टीम ने और जो रेलवे बोर्ड की जो वहाँ का ट्विटर सेल था, सोशल मीडिया सेल ने तुरंत जो है कंसर्न ऑफिसर्स को बताया। वहाँ से तुरंत एक्शन कोटा मंडल और जोधपुर मंडल ने लिया और गाड़ी जब तक ढिगाने स्टेशन पहुँची विद इन 1 आवर जो है इससे पूरा त्वरित कार्रवाई की गई रेलवे सुरक्षा बल की टीम के द्वारा, हमारी पूरी जो सोशल मीडिया टीम के द्वारा। और इसके कारण से ढिगाना स्टेशन पर जो तीन जो कल्प्रिट थे उनको जो है डिटेन कर लिया गया और जो रेलवे की जो धाराएं हैं उनका उस पर लगा करके और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।